एलएसी पर चीन का नया पैतरा आखिर क्या है? डरा चीन जेट एंड फाइटर प्लेन का दम आखिरकार क्यों दिखा रहा है? और ट्विटर पर भारत का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? चीन की साजिशों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 दागाबाज चीन में। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन और भारत के बीच सेना और हथियारों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई है। दोनों देश जल्द ही सेनाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से अपनी सेना पहले हटाएगा। चीन ने फिर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर शीखी बघारी है। डींगे हाँकते हुए ड्रैगन ने जेट एंड फाइटर जेट का एक्शन वीडियो जारी किया। इस लेटेस्ट वीडियो में जेट एंड फाइटर की मारक क्षमता को दिखाते हुए टारगेट को तहस नहस किया गया है। भारत के परमानेंट दुश्मन चीन और पाकिस्तान मिलकर एक और फाइटर जेट बनाने में जुटे हैं। चीन पाकिस्तान का ये फाइटर जेट पांचवी पीढ़ी का होगा और एडवांस हथियारों से लैस किया जाएगा। इससे पहले भी दोनों देश फोर्थ जनरेशन के JF-17 जेट पर काम कर रहे हैं। चीन अपने गुलाम पाकिस्तान के लिए कई युद्धपोत और किलर सबमरीन बना रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि चीन के सहयोग से चल रही हैंगर पनडुब्बी परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान के लिए चीन 4 सबमरीन बनाएगा। चीन की चापलूसी में इमरान दिन रात जुटे हैं। अपने इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि पाकिस्तान का भविष्य चीन के साथ जुड़ा है और पाकिस्तान को भी चीन का डेवलपमेंटल मॉडल अपनाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया कि 10 साल में चीन की एटमी ताकत दोगुनी हो जाएगी। चीन अब ज्यादा से ज्यादा एटम बम बना रहा है। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के पास इस वक्त 200 एटम बम हैं और चीन में जिक्वान एटमिक प्लांट का विस्तार तेजी से जारी है। फिल्म परवाज है जुनून चीन में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म है। इस फिल्म में चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान JF-17 की मिराज 2000 से तुलना को दिखाया गया है। इस फिल्म की झूठी डींगों पर ग्लोबल टाइम्स ने खूब शेखी बघारी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के वोकल फॉर लोकल अभियान का मजाक उड़ाया है। चीनी अखबार ने दावा किया है कि प्रकाश पर्व दीपावली चीन की एलईडी लाइट के बिना काली हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के एलईडी की भारत में जोरदार डिमांड है। मशहूर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को भारत में निलंबित या ब्लॉक किया जा सकता है। लह के ट्विटर के विवादित नक्शे पर भारत ने कड़ा रुख दिखाया है और ट्विटर को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने पूछा कि कार्रवाई क्यों न करे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।